इंदौर में भोपाल गांधी दर्शन पदयात्रा मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं पदयात्रा प्रभारी राकेश सिंह यादव के नेतृत्व में प्रस्थान करेगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव एवं गांधी दर्शन पदयात्रा प्रभारी राकेश सिंह यादव के अनुसार गांधी दर्शन यात्रा पदयात्रा में गांधी जी के सिद्धांतों एवं वचनों को प्रदर्शित करता प्रथम वाहन गांधी संदेश वाहन रहेगा। इसके पश्चात गांधी दर्शन वाहन रहेगा जिसमें विशाल गांधी जी की प्रतिमा चरखे के सूत काटते प्रदर्शित की जाएगी तथा गांधी जी के संदेश भी रहेंगे। विशेष रूप से दो वाहन एलईडी स्क्रीन के गांधी दर्शन यात्रा में शामिल रहेंगे जिसमें गांधी जी के संदेशों एवं गांधी जी के चलचित्रों का प्रसारण होता रहेगा एवं एक एलईडी वाहन पर माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा मध्य प्रदेश में महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप किए गए कार्यों का प्रसारण रहेगा तथा एक वाहन गांधी दर्शन यात्रा के आगमन की पूर्व सूचना पदयात्रा मार्ग पर सूचित करेगा। लगभग 100 से ज्यादा पदयात्री इंदौर से भोपाल तक की पदयात्रा में लगातार शामिल रहेंगे। गांधी दर्शन पदयात्रा में पूर्णकालिक रूप से शामिल होने वाले पदयात्रियों को सम्मानित किया जाएगा। गांधी दर्शन पदयात्रा इंदौर से दिनांक 19 नवंबर को सुबह 8 बजे गांधी प्रतिमा रीगल चौराहे से प्रारंभ होकर भोपाल के लिए प्रस्थान करेगी। दिनांक 19 नवंबर से दिनांक 27 नवंबर तक गांधी दर्शन पदयात्रा 9 दिन का सफर तय करके भोपाल पहुंचेगी। रास्ते में प्रत्येक यात्री विश्राम स्थल पर गांधी के विचारों को युवाओं तक पहुंचाने के लिए नाटकों का मंचन भी किया जाएगा। इस हेतु प्रशिक्षित टीम साथ रहेगी। इसके साथ ही गांधी जी के भजनों की भी प्रस्तुति के आयोजन लगातार होते रहेंगे। इंदौर से भोपाल के मध्य आने वाले शहरों एवं गांवों के प्रमुख मार्गों से गांधी दर्शन यात्रा निकलेगी। प्रतिदिन गांधी दर्शन यात्रा में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक पदयात्रा नियमित जारी रहेगी। बड़ी यात्रा दिल्ली से निकली है 2 अक्टूबर को राजगोपाल पीवी जी के निर्देशन में, वो करीब 10,000 किलोमीटर चल के जिनेवा तक जाएगी। अगले साल वो जिनेवा पहुंचेगी। हम सब लोग उस यात्रा में अपनी अपनी तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यहाँ से हम लोग निकलेंगे 19 तारीख की सवेरे 8:30 बजे गांधी प्रतिमा से। गांधी प्रतिमा में जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, पूर्व महाधिवक्ता हैं, आदरणीय आनंद मोहन माथुर जी उस यात्रा की शुरुआत करेंगे। वहाँ से हम हिंदी साहित्य समिति में पहुँचेंगे। हिंदी साहित्य समिति में पहुँच करके वहाँ एक छोटी सभा करेंगे। चूँकि पूरा शहर डिस्टर्ब ना हो इस वजह से हम इस यात्रा की शुरुआत, जैसा गांधी जी ने किया था, हम कुष्ठ रोगियों की सेवा से उनका सम्मान करके और उनको कैसे बेहतर और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं वहाँ उससे बात करके और उनको हम वहाँ लाएंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे और कुष्ठ रोगियों के सहयोग से आगे हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। तो ये कुछ मोटा मामला है और ये यात्रा 27 तारीख की शाम को 4 बजे भोपाल में संपन्न होगी। मुख्यमंत्री जी इसका समापन करेंगे और हम सबको उद्बोधन देंगे। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारक, मतलब जो खास मकसद है, वो ये है कि पूरे रास्ते गांधी जी के जो जीवन चरित्र है, गांधी जी की जो शिक्षाएं हैं, उसको लेकर के प्रचार प्रसार है। शाम को जहाँ हम लोग रुकेंगे वहाँ गांधी जी के जो उनके सर्वधर्म प्रार्थना जो है वो प्रार्थना करेंगे।